Dear trainees, alaikum. We have already discussed the different type of invoices that we encounter during our job, whether within an organization or whether we are working for ourselves. Whenever we are in a business, invoice is the basic document through which we bill our clients. And as you have seen in the previous lectures, there are a number of type of different invoices we have to cater for in quickbooks also there are a few invoices whose templates are available within quickbooks and if you want to you can create your own template for an invoice but today what we are going to look into is basically how an invoice is set up within quickbooks and what does the different fields within an invoice means let's go over to quickbooks and see how the different fields and templates work within quickbooks. for the last many lessons, we have been creating different invoices to check different functions within quickbooks and see how entries are added to our accounts. but today we are going to look into invoices in a little bit more of details. invoice? <laughs> उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकती हैं याद रहे इन वॉयस हमने हमेशा अपने क्लाइंट या कस्टमर के लिए बनानी है हमारे पास पहली एक लिस्ट मौजूद है जिसमें हमारे सारे कस्टमर और क्लाइंट्स मौजूद हैं और हमने अब उनको जब भी बिल करना है जब भी हमने उनसे कोई चीज़ लेनी है पैसों की सूरत में तो हमने उनको एक इन रेस करके देनी आइए अब देखते हैं कि इन क्विक बुक्स के अंदर क्या क्या शक्ल की होती हैं आप हमेशा की तरह सबसे पहले आएंगे अपने होम पेज पे और यहाँ आपने करना है क्रिएट इन इसके अलावा आपको जैसे पता ही है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कस्टमर्स में जाएं और क्रिएट इन कर लें दोनों तरीक़ों से आप एक ही जगह पहुँचेंगे और वो है हमारी बेसिक इन वॉयस की शक्ल अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी फील्ड हमें नज़र आ रही हैं लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि ये फील्डें करती क्या हैं। अब हमारे पास इस इन्वाइस के अंदर जो मुख्तलिफ़ हेड मौजूद हैं उसमें चंद फील्ड हैं और बाकी ज़्यादातर हमारे बिल्कुल ब्लैंक फील्ड हैं ब्लैंक फील्ड डिपेंड करेंगे कि हम इसको पॉपुलेट किस तरीके से करते हैं सबसे पहली चीज़ जो हम देखना चाहेंगे वो ये है कि कस्टमर या जॉब हम यहाँ किस टाइप की डिफ़ाइन करते हैं हमारे पास इस बॉक्स इस फील्ड के अंदर ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी मौजूद है जिसमें हमारे तमाम करंट एक्टिव जॉब्स और कस्टमर मौजूद हैं हम जिसको चाहें चूज़ कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए याद रहे कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर मौजूद नहीं है तो हम हमेशा उसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं यह हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं दूसरी चीज़ जो यहाँ हमें नज़र आ रही है वो है टेम्पलेट टेम्पलेट डिसाइड करता है कि हमारी ये जो इन की स्क्रीन है ये हमें किस तरीके से नज़र आएगी चंद टेम्पलेट्स हमारे पास स्टैंडर्ड क्विक बुक्स के हैं इसके अलावा हम मज़ीद टेम्पलेट्स ख़ुद बना सकते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्विक बुक्स के कौन कौन से टेम्पलेट्स होते हैं क्विक बुक्स का सबसे पहला टेम्पलेट होता है प्रोडक्ट इन ये क्विक बुक्स का स्टैंडर्ड टेम्पलेट है और इसके साथ ही हमें जो दूसरे टेम्पलेट मिलते हैं वो हैं प्रोग्रेस इन के और पैकिंग स्लिप के इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट इन होगी या प्रोग्रेस इन होगी इसके अलावा जो पैकिंग स्लिप है वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो इन के साथ भेजा जाता है जिसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं इन्वाइस हमारी मेन इन्वाइस होती है जिसमें हमारी डिटेल्स प्लस इस इन्वाइस की अमाउंट मौजूद होती है आइए हम इसकी ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चेक करते हैं डिफॉल्ट टेम्पलेट एज यू कैन सी इज इन टू इट प्रोडक्ट इन इसको हम जब चाहें अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं फिलहाल हम इसको ही इस्तेमाल करेंगे जब हमने एक टेम्पलेट चूज़ कर ली तो इसमें सबसे पहली है डेट की फील्ड डेट की फील्ड आमतौर पर आपकी करंट डेट से भरी होगी और इन नंबर आपको नजर आ रहा होगा जैसे ही आप अपना कस्टमर चूज करेंगे उससे रिलेटेड आपको बिल टू की फील्ड नज़र आएगी और उसके साथ ही आपको शिप टू की फील्ड भी अगर आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कस्टमर आपने ये दोनों फील्डें भरी हुई हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिकली उसी डेटा से फिल हो जाएंगी बिल टू और शिप टू में दोनों में एड्रेसेस फर्क हो सकते हैं मैंने आपको पहले भी रीज़न बता चुका हूँ एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ रीज़न ये होता है के बिल हो सकता है हम किसी हेड ऑफिस को कर रहे हैं और शिप या ट्रांसपोर्ट जो माल जा रहा है वो किसी गोदाम में कहीं और जा रहा हो जहां गोदाम में माल जाता है आम तौर पर वहां पैकिंग लिस्ट भेजी जाती है और जहां से हमें पैसे मिलने की तो है जो हेड ऑफ़िस है वहां हम इन भेजते हैं तो इसलिए बिल टू और शिप टू के एड्रेस फ़र्क हो सकते हैं दूसरी चीज़ आप याद रखें कि शिप टू के एड्रेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं हो सकता है कि हेड ऑफिस इस्लामाबाद में हो लेकिन सप्लाईज़ हमारी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जा सकती हो जिसमें पूरे पाकिस्तान का कोई भी शहर हो सकता हो और एज़ पर द एडवाइस ऑफ आर कस्टमर और क्लाइंट हम ये पूरा का पूरा माल वहाँ शिप कर देंगे अगर आपने ये शिप कराची किया तो आपने शिप टू की जो पैकिंग लिस्ट है या जो आपकी इन पे इंफॉर्मेशन आएगी उस पे आपने शिप टू का एड्रेस लिखना है कराची लेकिन बिल टू हेड ऑफ़िस को जानी है इसलिए बिल टू आपने करना है इस्लामाबाद तो ये तरीका एक तय है जिसमें हमें यह बताया जाता है कि पूरा जो हमारा जो भी कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसने जाना कहाँ है शिप टू और इसको इनवॉइस करके हेड ऑफ़िस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जहाँ भेजा जा रहा है वो कहाँ है वो है बिल टू इन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा अगला जो हमें फील्ड नजर आता है वो कहलाता है पीओ नंबर पीओ नंबर होता है जी परचेज ऑर्डर नंबर परचेज ऑर्डर नंबर हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है एज फार एज इन वॉइस इज़ कंसर्न पी नंबर हमारा हो सकता है इफ़ वी आर ऑर्डरिंग टू अ वेंडर अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारा पी होगा लेकिन क्योंकि हम चीज़ बेच रहे हैं और इन क्रिएट कर रहे हैं इसलिए पी नंबर हमारे जो भी क्लाइंट ये कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है उसका है पी नंबर का मतलब क्या है पी नंबर का मतलब ये है परचेज़ ऑर्डर नंबर परचेज़ ऑर्डर नंबर एक ऑर्डरिंग डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे कस्टमर या क्लाइंट ने हमें दिया है जिसके ऊपर एक यूनिक नंबर उसने लगा के दिया है और एक लिस्ट दी है उन आइटम्स की जो उसको रिक्वायर्ड और जो हमने उसको सप्लाई करनी है एज पर द क्वांटिटीज एंड स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड जो भी उसने लिस्ट दी है जो भी उसने स्पेसिफिकेशन दी है जो भी उसने क्वांटिटी दी है हमने एज़ पर दोज उसको चीज़ें सप्लाई करनी है और उसका जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा दैट इज़ कॉल्ड अ पी ओ परचेज ऑर्डर और हमें चाहिए कि उसका रेफरेंस यहाँ ज़रूर दें क्योंकि जब हम उसको इन्वाइस करेंगे तो वो अपने पी ओ से हमारी इनवाइस को मैच करेगा और देखेगा कि मैंने ऑर्डर किया दिया था और आपने भेजा क्या है इसलिए ये कंपलसरी है कि आपको अगर पी ओ आया हो उसकी रेफरेंस नंबर यहाँ ज़रूर दें ताकि वो आपके भेजी हुई चीज़ों को अपनी पी से मैच कर सके स्पेसिफ़िकेशन वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी उसके बाद जो हेडिंग नज़र आ रही है आपको वो कहलाती है टर्म्स टर्म्स वो हैं जो पीओ पे भी मैंशनड होंगे और आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट के वक्त भी ये फाइनलाइज करा लिए होंगे टर्म्स बेसिकली आपके पेमेंट टर्म्स होते हैं कि आपने पेमेंट किस तरीके से वसूल करनी है क्या पेमेंट आपने जैसे ही ये माल गया उसके हफ्ते के अंदर पेमेंट वसूल करनी है तीस दिन के अंदर वसूल करनी है या आपका क्या पेमेंट का अरेंजमेंट है विद द कस्टमर और क्लाइंट यहाँ आपने वो से मेंशन करना होगा आपके पास जो भी पीओ आया होगा उस पर भी ये मेंशन होंगी लेकिन आपको भी पता होगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि हमने इस कस्टमर के साथ क्या पेमेंट टर्म्स फाइनलाइज की अगली हेडिंग है रेप रेप का मतलब है आपका सेल्स मैन या रिप्रेजेंटेटिव जिसने ये डील करवाई है बाज़ दफ़ा होता यह है कि हम लोग अपने सेल्स मैन को या रिप्रेजेंटेटिव को या मार्केटिंग एजेंट को कुछ कमीशन देते हैं बेस्ड ऑन कि वो हमसे किस टाइप की सेल्स करवाता है अपनी मार्केटिंग की बेसिस पे और अगर कमीशन बेसिस पे काम हो रहा है तो हम चाहेंगे कि उस रिप्रेजेंटेटिव का जो कि जिसने ये डील करवाई है उसका नाम यहाँ आए ताकि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमें यह पता चल सके कि इसने हमारे लिए कितना काम किया और उसका कमीशन कैलकुलेट करने में आसानी हो अगर ये कंपनी टू कंपनी डील है तो यहाँ किसी रिप्रेजेंटेटिव का नाम नहीं आएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगली जो डेट आपको नज़र आ रही है वो है शिपिंग डेट ये बेसिकली हमें यह बता रही है कि ये माल फिज़िकली ट्रांसपोर्ट किस दिन होना शुरू होगा ज़रूरी नहीं कि आपको वो माल किसी दूसरे शहर में उसी दिन मिल जाए लेकिन हमें बताना ज़रूरी है कि ये हमने शिप किस दिन किया है ट्रांसपोर्ट करने को भले वो रोड से ही जा रहा हो हम शिप कहते हैं और अगर हमारा कोई नॉन शिपिंग एजेंट है तो हम उसका डिटेल देते हैं वाया के अंदर इसे विया भी पढ़ते हैं और वाया भी पढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन के ऑन विच पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन यू लाई अगर आप बरतानिया में हैं तो कुछ और प्रोनाउंसिएशन है अमेरिका में है कुछ और प्रोनाउसिएशन है दिस इज़ वाया वाया में हम ये बताते हैं कि हमारा शिपिंग लाइन अगर हमने बाई सी या ट्रांसपोर्ट बाई लैंड कर रहे हैं तो वो कौन सी है एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड यहाँ हमारे पास दो कंडीशन हैं कि हम जैसे ही माल हमारे प्रेमिस से बाहर निकलेगा तो वो हमारे कस्टमर की मिल्कियत बन जाएगा और आगे का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे कस्टमर या क्लाइंट की होगी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम उसको उसके घर तक उसकी प्रेमिस तक उसके गोदाम तक उसकी मैनुफेक्चरिंग यूनिट तक माल पहुँचा के हैं हो सकता है ये बाई सी जा रहा हो अगर सी जा रहा हो तो हमें इसे पूरा फ्रेट पूरा किराया दे के वहाँ भेजना है और जब वो उसके पोर्ट पे पहुँचेगा तो वो उसकी मिल्कियत होगा यहाँ हमें ये डिफ़ाइन करना होता है हमारे पास जो आमतौर पे इसकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है एफ़ ओ वी की वो उस वक्त की जाती है कि जब हम ये चीज़ हमारे प्रेमसर से बाहर निकल जाती है और उसका एजेंट जो हमारे कस्टमर या क्लाइंट का एजेंट है वो उसकी पोजीशन ले लेता है और वो उसको जहाँ भी ट्रांसपोर्ट करना हो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है लेकिन हमारे पास जो दूसरी है कि डेस्टिनेशन में पहुँचाने की रिस्पॉन्सबिलिटी आपके ऊपर है वो कहलाती है सी एंड एफ कॉस्ट एंड फ्रीट या सी आई एफ कॉस्ट इंश्योरेंस इन फ्रेट लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में हमारे पास क्विक बुक्स नहीं है तो वो इन दोनों टर्म्स को एफ ओ बी के अंडर हैंडल करता है लेकिन हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हमने इसको ट्रांसपोर्ट फाइनल डेस्टिनेशन तक करना है फ़ाइनल पोर्ट तक करना है या हमारे प्रेमिस से बाहर निकलते के साथ ही ये हमारी मिल्कियत नहीं रहेगा यहाँ हमें इंडिकेट करना है इन दोनों में से एक चीज़ आगे आपको जो लाइन आइटम्स नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर आप हेडिंग से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वांटिटी में हमने जो भी आइटम हम इस्तेमाल करेंगे उसकी एक मकदार तादाद देनी है आइटम कोड में हम वो आइटम सेलेक्ट करेंगे जो कि हम शिप कर रहे हैं या बेच रहे हैं और अगर आपने आइटम डिस्क्राइब करते वक्त उस आइटम का डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डिस्क्रिप्शन में नजर आने लगेगी यू एम का मतलब है यूनिट ऑफ मेजर कि ये किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है अगर ये मेजरेबल आइटम है क्या वज़न से मेजर करते हैं क्या गिनती से मेजर करते हैं किस तरीके से करते हैं यहाँ आ सकता है वजन से करते हैं किलोग्राम में टन्स में पाउंड्स में कैसे कर रहे हैं गिनती में कर रहे हैं तो डजन में कर रहे हैं या हंड्रेड्स में कर रहे हैं किस तरीके से आप इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं काउंट कैसे करते हैं इसे प्राइस ईच का मतलब हमारे यहाँ रेट है आपने यूनिट का रेट देना है अगर किलो में है किलो का रेट दे दें पाउंडस में पाउंड्स का रेट दे दें डजन में डजन का रेट दे दें यानी यूनिट अगर आपका सिंगल है तो सिंगल का रेट दे दें क्लास हम डिटेल में पूरा चैप्टर करेंगे अभी फिलहाल आप ये समझें कि ये भी एक टाइप ऑफ हमारी कमोडिटी है जो कि हम बेच रहे हैं अमाउंट ऑटोमेटिकली हमारे प्राइस और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी और जब हमने ये आइटम डिफाइन किया होगा तो हमने बता दिया होगा कि ये टैक्सेबल है या नहीं है नीचे टैक्स का फील्ड आपको नजर आ रहा है टैक्स के फील्ड में अगर कस्टमर के साथ पहले ही से हमने टैक्स रिलेट कर दिया है तो वो टैक्स ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा और कैलकुलेट हो जाएगा और हमारे पास ये तमाम बैलेंस आपको यहां नजर आने लगेगा याद रखें कि कस्टमर को अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें इस इन्वॉइस के बारे में तो हम यहाँ कस्टमर मैसेज सिंगल स्टेटमेंट डाल सकते हैं और अगर इसके साथ मेमो अटैच करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो अटैच अ मेमो जो हम एक लाइन से ज्यादा अगर उसे इंफॉर्मेशन देना चाहें कस्टमर टैक्स कोड इसमें भी नॉन टैक्सेबल या टैक्स का हम आइटम डाल सकते हैं और दिस इज गोइंग टू ओवर रूल और अदर टैक्स पेबल और सेल टैक्स लिस्टेड हो गई है ये वाला टैक्स कोड जो कस्टमर के साथ एफिलियेटेड है ये तमाम टैक्सेस को ओवर कर देगा दीज वर बेसिक फील्ड्स विद इन वॉयस एंड इन आर नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू गो थ्रू all these fields again.